विपक्ष को भी कुछ मुद्दा चाहिए, तो विपक्ष भटक गई अपने मुद्दों से, मेन मुद्दे से। उन्हें क्या मुद्दा चाहिए था? नवीन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और ये मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चे को MBA करवाए या कोई अच्छी डिग्री करवाए। विपक्ष बोल रहे हैं RSS का कार्यक्रम है, हमें नहीं जाना, कांग्रेस ने हाथ खींच। विपक्ष को भी कुछ मुद्दा चाहिए, तो ये मुद्दा के लिए बोल रही है विपक्ष। बीच में विपक्ष को चाहिए था बेरोजगारी महंगाई पे, वो भटक जाती है। अभी राम मंदिर पे क्यों उद्घाटन हो रहा है, इस पे आ गई है विपक्ष, तो विपक्ष भटक गई है अपने मुद्दों से, मेन मुद्दे से। उन्हें क्या मुद्दा चाहिए था? शंकराचार्यों को लेके क्या बोलेंगे, चारों को चारों शंकराचार्य जो है विरोध कर। शंकराचार्य का अपना वो एक तरफ से, शंकराचार्य का भी कहना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा डालने की। मैंने सुना था कहीं किसी न्यूज चैनल पे कि शंकराचार्य जी कह रहे थे हमें छूना गलत होगा। हाँ, तो एक तरह से उनका भी कहना सही है, इतना तो धर्म के बारे में हमसे ज्यादा वो जानते हैं, अगर को कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे हैं। नहीं मानते लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, शायद इसीलिए जो अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो। बस बस एकदम यही सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये मानने नहीं है, सच्चाई है। नई मूर्ति का वो हो रहा है, नवीन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और ये मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। अब रहस्य वाला आपके शंकराचार्यों का, कौन से शंकराचार्य ने ये कहा के हमें ऐतराज है, पहले नाम बताओ उसका। जितने भी चारों जो चार प्रमुख शंकराचार्य हैं, चारों प्रमुख शंकराचार्यों को ये कहना है, चारों ने नहीं कहा, दिखाओ आप ऐसे ही खाम का अफवाह फैलाते हो आप मीडिया वाले होके भी। सिर्फ निश्चलानंद ने अफवाह फैलाई है, वो जातिवादी आदमी है, उसने ये कहा है कि मोदी उद्घाटन करेगा और मैं उसके पर चरण छूं ताली बजाऊं, क्योंकि वो बेचारा मोदी कौन है, किस जाति से है, छोटी जाति से है, वो चिढ़ता है निश्चलानंद। ये बताओ निश्चलानंद चेला किसका है? प्रधानमंत्री जी हर चीज का उद्घाटन करेंगे। सवाल है कि प्रधान धर्मगढ़ जाति का मुद्दा है, यहाँ जो युवा सड़कों पे बैठे आज महीने महीने दो दो तीन तीन महीने से युवा सड़कों पे बैठे आज जंतर मंतर पे चिल्ला रहे हैं, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज भी सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ मुद्दा है ना, वो मंदिरों का मुद्दा है यार, कांग्रेस ने मना कर दिया यार, बीजेपी जा रही है, वो ये मुद्दा मुद्दा से भटकाने की चीजें हैं। चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के लिए के दूसरा अब कोई रोजगार या कोई युवा ऐसा मुद्दा तो बीजेपी के पास बचा नहीं। अब मुद्दा कौन भटका रहे हैं, वो सवाल भटका रहे हैं, एक मिनट, मुद्दा कौन भटका रहे हैं बोलिए, मुद्दा कौन भटका रहा है बोलिए, न्यूज़ पर सब कुछ वही चल रहा है, मुद्दा कौन भटका रहा है, बीजेपी वाले भटका रहे हैं सिर्फ। अरे ओ सुनो मेरी बात, एक होता है मंदिर के लिए राजनीति, एक होती है मंदिर पर राजनीति। नो मंदिर पर राजनीति कांग्रेस विपक्ष कर रहा है। और एक मिनट, या तो बोलने दो या बोलना, मैंने प्रश्न किया था तो आप बोल नहीं सके। मंदिर के लिए राजनीति 89 से बीजेपी डंके की चोट से अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। कौन सा मैनिफेस्टो निकाल लो जिसमें उसने मंदिर के बारे में ना लिखा हो? कांग्रेस ने कब लिखा मंदिर पर? बीजेपी ही कर रही है ना, मैनिफेस्टो में लिखा तो राजनीतिक तो बीजेपी ही कर रही है ना। क्या बोला है बताइए, कैसे कर रही है हम बताएंगे आपको। मंदिर के लिए, मंदिर पर फर्क है, के लिए फर्क है। ये मैं जवाब देना, उन्होंने ये सर देखिए, सर ने बहुत अच्छा बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाया, मैं इनको नंबर बताता हूँ, सर गूगल कीजिएगा, ये कांग्रेस छोड़ के गई थी डॉलर, ये 64 60 रुपए मान के चलिए साहब, अब ये समथिंग है 84 ले लो यार। पर कैपिटल इनकम कितनी थी कांग्रेस के समय पे? 1100 समथिंग पर डॉलर, अब कितनी है गूगल करके देखिएगा, 2000 पर कैपिटल समथिंग, डबल हुआ है, डबल हुआ। रुपया डॉलर होने चाहिए 120 रुपए होना चाहिए आपके हिसाब से। और ये देखिए, टॉप 10 में नहीं आते थे साहब, टॉप 5 में आते हो, टॉप 10 में नहीं आते थे तो टॉप 5 में आते हो। आप 3 के भी सब बात बोली है, सुनिए ये, नहीं सुन लीजिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये 2014 के बाद गरीब हुए हैं, ये 2014 के बाद गरीब हुए हैं, ठीक है। और ये UK अमेरिका था ये देश, ठीक है, ये नए नए गरीब हुए सर, ये नए नए, ये पहले सोने की चिड़िया, पहले सोने की चिड़िया था, अब ये जो है ना, अब सिर्फ इस चीज पे आप मुद्दे पे मंदिर पे उन पे राजनीति मत करो, जवाब देना हो ना तो रोजगार पे, और जो आर्मी के युवा जो आज आप पे बोलूंगा रोजगार पे, बोलिए बोलिए।
अपने ये जो बीमारी आई थी इसके दौरान मेरे बेटे की जॉब छूट गई थी, कोविड कोविड के टाइम में। एमबीए मेरा बेटा 7 साल की जॉब थी, कंपनी ने निकाल दिया, ये हमारे पास काम नहीं है। बच्चा हमारा 1 साल बैठा रहा, किसने कह दिया भाई तू स्किल्ड ही नहीं है, तेरे पास है क्या? एमबीए की डिग्री है ना, बाकी क्या है तेरे पास? तो बेटा आया कहना पापा पैसे चाहिए, मैंने एक कोर्स करना है, एक करो जी ये लो पैसे। उसी पे उस पे दोबारा नौकरी 1 साल के बाद मिल गई उसको। अरे तुम्हारे पल्ले है तो कुछ नहीं, डिग्रियां जी मिल गई, जेल हाँ मिल गई, मिल गई। चलो आपके बच्चे को मिले, आर्मी का बच्चा था, आर्मी की भर्ती में आपके बच्चे में क्वालिटी थी, आपके कोरोना में भर्ती आई, बच्चा फिजिकल पास हुआ, बच्चा रिटर्न पास हुआ, सब कुछ उसकी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद के कोरोना की वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं। कोरोना में उनकी रैलियां चल रही थी, चुनाव हो रहे थे। आपने जो बताया कि आपका डिग्री किया कोर्स किया, कितना रुपए खर्च हो गया इसका? आपके बच्चे के लिए खर्च हो गया इतने पूरे एमबीए आप 1 लाख में करवा दोगे? अरे एमबीए तो हो चुकी थी यार, एमबीए करने में कितना खर्च हो गया? कुछ भी नहीं हुआ विशेष मेरा। सुनो 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 एक मिनट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से सुन लो पहले मेरी बात। आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, बताओ। 2 साल की होती है ना एमबीए, है 60,000 सालाना जाती थी फीस, 4,000 महीना जाता था मेरा उसका, ये हॉस्टल का टोटल। आप टोटल बता दो इतना। अब आप लगा लो, मैं ज्यादा आपने कम ये अभी तो किया नहीं होगा, टाइम हो गया इसको किए हुए, 5 से 6 साल हो चुके होंगे, उस टाइम की बात है। आप मैं मान रहा हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, अंकल जी इनको मानता हूँ, ये भी गांव से बिलोंग करते हैं। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चे को एमबीए करवाए या कोई अच्छी डिग्री करवाए। नॉर्मल बच्चा किसने बोला, किसके पास इतना होता है भाई? नहीं होता है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा। आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास नौकरी वाला था, पहले का होगा भाई, जो गांव में रह रहे हैं। नहीं होता है, नहीं होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।